हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोटल सुमो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सबका हाल चाल ठीक। स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड अच्छा जा रहा होगा। मैं खुद स्टूडेंट हूँ पर मेरा प्री बोर्ड नहीं होता, स्टेट बोर्ड का फ़ायदा। तो आज के लिए मैं ले आया आपके लिए एक अच्छा सा गेम प्ले। अच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं तो बुरा। तो मैं सबसे पहले उतरा यहाँ अपना मिल्टा उतरा, क्योंकि भाई देखा बंदा यहाँ उतरा था थोड़ा बहुत, तो मैं उतरा आराम से अपना घुसा, गन वन लूटा। भाई यहाँ मिली एक एमआर यूएमपी। अब भाई मेरा टीममेट भी है कुतरा यहाँ, और भाई मेरा टीममेट को वहाँ धर लिया गया। बेचारे का किस्मत ख़राब था, वहाँ गया जहाँ बंदे थे। अब भाई मेरे को भी साउंड आ रहा था तो मैं यहाँ रुका रहा। काफ़ी देर सोचा कि भाई अभी तो गन है नहीं अच्छी, कि जाके फ़ायदा नहीं, पर फिर भी कब तक रुकता। थोड़ा आगे चला गया, सामने वाले घर तक पहुँचा कैसे भी, क्योंकि यहाँ छत थी और छत का एंगल अच्छा होता है। मैं आराम से रुका, मेरे पास 3x था, तो मैंने सोचा अच्छे से स्पॉट वगैरह करके थोड़ा किल विल निकाल लूँगा। अब भाई सामने भी बंदे थे, उधर भी बंदे थे, रोड के उस साइड हर तरफ बंदे थे। तो मुझे यहाँ पे फुटस्टेप आया, एक बॉट था ये, और भाई असली बंदा होता क्या मस्त किल मिलता मुझे। पर मैंने बॉट को टैप टैप मार गया, कैसे भी ख़त्म किया। अब भाई मेरे ऊपर रोड के उस साइड से वो फायर। मैं जैसे यहाँ वापस आया कवर के अंदर, भाई मैं समझ गया बंदों की नज़र में हूँ। फिर मैं काफ़ी देर रुका, मैं यहाँ छत से कूदने का सोचा, पर एक और बॉट को मेरे से ही मरना अच्छा लगा। पर इस बार मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी गन से नहीं मारूंगा, मैं इसको मारूंगा अपने हाथों से। तो मैं उतरा, चल भाई बॉक्सिंग मैच करते हैं, ऐसा बोल के बॉट को मैं अंदर लिया। भाई इतना गंदा ग्लिच, बॉट बिना गेट खोले भाग गया यहाँ से। बॉट भी मेरी बेइज्जती कर रहा कि तेरे से तो नहीं मुक्का खाऊंगा। हमारा भाई कैसे कोने मिले जाके दे मुक्के पे। भाई इसको आराम से लूटा। अब भाई सामने से मेरे को यहाँ से बैंडेज मारने की साउंड आ रही थी, या तो वो सामने वाला घर में था, ये वाला नहीं वो छोटा वाला, या फिर वो एकदम राइट साइड वाले घर पे था। पर ये था कि मेरे को फुटस्टेप बोलता हूँ यार, बैंडेज का साउंड आ रहा था कि बैंडेज लगा था। मैं काफ़ी देर रुका, फिर मैं चला गया यहाँ पे अपना अंदर। अब देखिए वहाँ बॉल के पास आपको बंदा दिखा होगा, थोड़ा सा स्पॉट हो ही गया होगा। तो मैं सोचा चलो मैं भी टीपी पी लेता हूँ। अब भाई मैं तो अपना आगे जा रहा हूँ, अब देखिए सामने से दो बंदे। अब भाई इधर मेरी फटके हाथ में, कैसे मैं करूँगा 1v2, क्योंकि भाई मेरे पास नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। आया गेम पे स्विच की मैंने अपनी दोनों से, या दोनों किल आराम से उठा लिए। अब भाई मेरा एक गेम पर इतना है ना, मैं पूरा दिन मैं खेला, एक भी क्लच अच्छे से नहीं, यहाँ 1v2 आराम से हो गया। अब यहाँ मार के मैं आराम से लूट रहा हूँ। फिर से मेरे को एक और फुटस्टेप आया राइट से। अब भाई सोचिए, अब ऐसे में फुटस्टेप आता कितनी फट किया कि भाई ऐसे मेरा क्लच नहीं होता, गलती से 1v2 हुआ। गलती से भी 1v2 कितना अच्छा लगता है, गलती ऐसी होती रहे, मेरे किल्स आते रहेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। अब भाई लास्ट जोन के लिए हम पहुंच गए हैं गटका के पास। अब भाई यहाँ एक आध बंदा मैंने वहाँ और एक पॉट मारा था, उसको मार के यहाँ पे आराम से आ गया, 5 किल वहाँ हुए थे। आ गया जंप पंच, जैसे ही मैं यहाँ घर पहुँचे एक और मेरे लिए हार्ट अटैक मिलने वाला। भाई जैसे पहुँचा फिर से फुटस्टेप आने का, मतलब जहाँ जाते फुटस्टेप आते हैं बंदे के। ऐसा क्यों भगवान मेरे साथ क्यों? एक तो अकेला बचता हूँ अपनी टीम से। ध्यान से सुनिए, फुटस्टेप आपको भी सुनाई देंगे, अगर मैंने ऑडियो कम नहीं की होगी तो। मैं कर देता हूँ। अब भाई यहाँ एक बंदा प्रोन हो गया, तो मैं भी सोचा मैं भी प्रोन हो जाता हूँ। क्यों? सांप के लिए सांप ही बनना पड़ता है भाई, जहर जहर को काटता है, सांप सांप को मारता है, बात खत्म। तो मैं आया पेड़ के पास, यहाँ फायर भी कर रहा था किसी पे दूर, तो मुझे लगा मेरे को ना देख ले भाई, मेरी फटी हुई थी। तो मैं जोन आने का वेट किया, क्योंकि मुझे मालूम था जोन आएगा ये अपने चला जाएगा। जैसे ही जोन आया मेरे को फुटस्टेप आया कि ये जाने लगा, तो भाई मैं भी अपना सांप वाला बन के धीरे धीरे से क्लोज इन करने लगा। अब भाई देखिए मेरे पास कारल है, कारल पे 6x है, एक कैम है, क्लोज इन छे लिए। अब देखिए आपको छत पे एक सांप दिखेगा। भाई बंदे छत पे भी सांप बने, बताओ यार ऐसा थोड़ी चलता है गेम, सांपों का थोड़ी है भाई, सांप बने घास में बनो। भाई सांप को पनिशमेंट मिल गई भाई सांप बनने की, नॉक हुआ सीधा। और देखिए सामने नॉक बंदा, मैं आ गया उसको देखने, मुझे मालूम था इसका टीममेट इसको रिवाइव देगा, तो मैं इसका वेट किया गेट खोलने का। फिर जैसे ही गेट खोला मैं पीछे चला गया इसके, और धप्पा भाई आराम से यहाँ 2 किल मिल गया। अब भाई यहाँ फिर लास्ट का स्क्वाड, लास्ट में बचा हुआ था एक डुओ, लास्ट किया। अब देखिए भाई सामने से फुटस्टेप आते बंदे आ रहे हैं। भाई मेरे पास AKM और मैं नहीं था मेरे में हिम्मत कि मैं जाकर क्लच मार सकूँ, 2 ही बंदे थे। अब भाई फिर भी पता नहीं मैं मर गया, या तो उसकी MG3 में हैक था, या मैं बहुत बड़ा नूब हूँ। फिर क्या, मैं नॉर्मली फिर से उतरा पोचिंग की तो अपना घर है भाई, आराम से उतरा पोचिंग की मैं ज़िंदगी काटो। मैं जा रहा था, मेरा टीममेट एक बॉट मार रहा था, उसका देखिए मैं कैसे किल चुरा था। भाई मेरा किल बहुत चोरी होता है, इसलिए मेरे को चुराने में बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं सामने बॉट,
बॉट मेरे लिए बॉट भी बंदा होता है भाई, बॉट की भी तो फीलिंग्स है, उसको क्यों बॉट बोलना है बेचारे को, बुरा लगेगा। अच्छा बंदा तो मुझे अपना किल देके गया, बॉट ही था। फिर भाई यहाँ मैं आया ट्रिपल स्टोरी एज यूजुअल, तो भाई आपको कुछ फुटस्टेप साउंड नहीं देगा यहाँ पे, एक फुटस्टेप का साउंड नहीं है, मेरे को भी नहीं दिया। मैं आराम से अपना लूटते हुए ऊपर जा रहा हूँ। अब छत पे एक और कैंपर, साला इतना कैंपर है, देखिए कहाँ कैंप कर रहा है वो, यहाँ नहीं छत पे कर रहा है। अब मैं अपना स्कोप वगैरह ठीक कर रहा था, मेरा हाथ कांपा है, मेरा हाथ यहाँ कांप गया था जब मैं इसको मार रहा था। फिर मैं आया आराम से यहाँ दूसरा साइड आ गया, दूसरी ट्रिपल स्टोरी, यहाँ पे डासिया रहती है कभी कभार, तो मैं सोचा डासिया लेके जोन से निकलूँगा। भाई जैसे ही मैं यहाँ कूदा, मेरे को चढ़ा अंदर, एक तो पता नहीं खिड़की से चढ़ने में मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, पता नहीं भगवान जाने मेरे को खिड़की से कूदना क्यों नहीं सिखाया गया। फिर भाई मैं आराम से, मेरे को यहाँ पे जैसे मैं आया मेरे को फुटस्टेप आया बंदे के, तो मैं सोचा चलो देखते हैं कहाँ है, स्कोप खोला मैंने, दिखा तो घंटा कुछ नहीं, कूदा आराम से, बंदा मैं आमने सामने। कभी कभी तो लगता है अपू नीचे, पर फिर भी इसको मारा आराम से, इसको लूटने का ट्राई किया। फिर मैं चला गया यहाँ पे आ गया, हम लोग ब्रिज क्योंकि जोन बन गया ब्रिज के उस पार का, मैंने सोचा कैंप होगा तो चलो हम भी एक दो किल उठा लेंगे। और भाई मेरी गॉडज़िला वाली यूएस क्या सेक्सी लगती है ये वाली यूएस, भाई मेरा टीममेट कभी गाड़ी सही जगह नहीं रुके, ओपन जगह पर दिया, और भाई ऐसी जगह होता है मेरे में पता नहीं अपने आप कीड़ा घुसता कि मैं चल जाता हूँ एकदम आगे। अब भाई मेरा टीममेट यहाँ एक एनिमी को नॉक करता है, भाई सोचता हूँ कि चलो भाई अब तो किल निकालेगा तेरा भाई, एनिमी मुझे देख लिया, मैं कवर पर भागा, सोचा कवर पर लेके, यहाँ मेरा क्रॉस फायर ऊपर ही नहीं हुआ भाई, नीचे देखते देखते मैं मेरे को लेटा दिया ये। फिर मैं उतरा भाई यहाँ प्रिजन, मुझे नहीं पता प्रिजन में इतने बंदे उतरते हैं, सोचा चलो फाइट होगी, उतरा आराम से, गन वगैरह यहाँ मिली मुझे एक मिनी 14, एक वेक्टर, वेक्टर तो थी पर यहाँ पे आके मैंने मिनी 14 की जगह स्कारल उठा ली। अब भाई एक बंदा भी था बगल वाले में घर छोटा, जो भी है ये जो भी है, कोशिश कर लूँ हेड कनेक्ट करने की, हेड तो मेरे से कनेक्ट ना होगा, तो मैं आराम से यहाँ पोचिंग यार इतना याद आता है पोचिंग किया, तो मैं यहाँ पे प्रिजन में था। भाई यहाँ एक बंदा मेरी टीम को बहुत परेशान कर रहा, बार बार नॉक नॉक नॉक, भाई मैं स्मोक किया भाई, एक और बार उसने नॉक कर दिया, इस बार उसने बहुत को नॉक किया, उसने मेरे दो टीममेट को नॉक कर दिया, एक को फिनिश कर दिया। तो मैंने सोचा मैं भी अपना बदला निकाल लेता हूँ, मैंने फिर एक और बॉडी हमारा बदला, अब यहाँ इसके सामने शायद मैंशन होता है, तो मैंशन हम लोग गए आराम से यहाँ पे अपना किल विल करके। अब भाई हम जा रहे हैं, मेरे को घंटा कुछ नहीं आइडिया कि वहाँ बंदे हैं। अब भाई मेरी फट जाती है, मेरा टीममेट वहाँ मार्क लगाता है, आराम से फिर मैं वहाँ गया अपना, यहाँ पे देखा मैंने स्पॉट किया बंदे को, टैप 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 मारा मैंने उसको आराम से अपना। फिर मैं यहाँ से देखा कि वहाँ और बंदे, तो मैं यहाँ आगे जाने लगा, फिर मैं सोचता चलो एक और देखते हैं वहाँ किल वगैरह मिलेगा। तो अब वहाँ था एक बंदा नॉक, मुझे लगा मेरा टीममेट का, तो मैंने आराम से उसको वहाँ पर अपना फिनिश किया, देख रहा था उसका वेट ही कर रहा था, पर मुझे पता नहीं चला कि वहाँ मेरा टीममेट भी नॉक था, मेरा टीममेट हो गया नॉक फिनिश। अब भाई यहाँ पे मैं अपना रुका था, अब भाई मैं आगे जाने लगा, मैं सोचा चलो मार देते हैं, देखते हैं 1v4 होगा कि नहीं, तुक्का से भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात मेरे लिए। पर फिर भी मैं आया देखा तो यहाँ था कि मेरे ऊपर गोली चल रही थी, यहाँ पे इतना सा एरिया था बस। कभी सही जगह लग गया मेरा तो बहुत बड़ी बात है, पर लगा नहीं। फिर मैं आराम से आया, एक और बंदा या बॉट जो भी था ये मेरे को दिखा, अब भाई मैं इसको आराम से देखा, यहाँ पे स्पॉट किया, एक तो जायरोस्कोप डिले वाला फ़ोन है मेरा, और यहाँ एक और फुट से आराम से इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया आराम से। अब तब तक मेरे ऊपर हो गया रश, अब भाई मेरे को नहीं मालूम था, मैं सोचा हेल्थ रिकवर करके ऊपर चला जाऊंगा अपना। अब देखिए पता नहीं उसने मेरे को कैसे, उसने मेरे को काट के मार दी कहीं से, अब भाई मैं यहाँ मर गया। अब मैं ज़्यादा लंबा तो चलने से रहा, 3 मैच ख़त्म हो चुके या 2 मैच पता नहीं कितने, मैं उतरा पोचिंग की, उजी मिली मुझे। यहाँ मेरा टीम उसके पीछे पीछे, सोचा एक आध किल मिलेगा, पर किल नहीं मिला, पर एक बंदा मेरे को ज़रूर स्पॉट हो गया वहाँ पे ऊपर।
अब देखिए सामने वाला जो आपको ब्लू घर दिख रहा है, वहाँ पे खिड़की पे एक बंदा होगा। मैंने सोचा आ जा भाई मार दूंगा, कितना कैंप करेगा, जीवन भर कैंप ही करता रहेगा क्या। तो मैं उसके लिए आराम से रुका रहा थोड़ा देर। अब मेरे को अभी तक नहीं कन्फर्म था वहाँ बंदा है, पर मैं चीज़ से जैसे ही नीचे गया, यहाँ बैल्कनी में आया, तब देखे वहाँ बंदा दिखा। और मेरा पता नहीं प्लेयर ऐसा था, मैं भाग नहीं पाया, पर मैंने कैसे बुलेट डॉज कर ली उसकी सारी। अब भाई मैं चला गया कूद के, भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा था, मैं चला गया 101 किल तो मिलेगा। आया बंदा स्पॉट पर घर कमरे में, आराम से यहाँ मैंने बंदा फिनिश कर दिया, 1 किल मिला मेरे को। अब भाई हम लोग आ गए स्कूल। अब यहाँ सामने एक बंदा बॉट, जो गोली चली बता नहीं सकता। फिर भाई लास्ट जोन में हम लोग फिर पोचिंग की से होकर जाने लगे। सामने से एक यूएस निकली थी, पर फिर भी आपको मालूम है मैं लास्ट जोन तक बचा तो मेरा घंटा किल नहीं हुआ, मैं फिर मर जाता। मैं सोचा एक ही बंदा है बगी में, क्या ही डैमेज देगा मुझे। ऑलमोस्ट पूरी हेल्थ आ गया वो, मैं जल्दी से यहाँ नीचे आया। अब देखिए बंदा आराम से सोचा मार दूंगा, ये वाला नॉट तो मैंने कैसे भी सिक्योर कर लिया, अपना किल भी सिक्योर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और फिर इसका एक टीममेट होता है, इससे मैं नहीं बच पाता, उसने मुझे डैमेज दिया, मैं यहाँ पे लेट गया। अब मैंने अपना हेल्थ रिकवर किया, पर फिर टीममेट उसका प्रो था, उसने मुझे मार दिया। पर वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगी, मैं मर जाता हूँ आगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक देखा तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलता है आपका एक व्यू। और थैंक यू, कल वाला व्यू मेरा 0.4 आवर्स बढ़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलता है आपको ऐसी अगली वीडियो में, देख लीजिए मेरी मौत।